ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसी गैंग तैयार कर रही है जिसमें किसी महिला को छेड़ने पीटने के साथ महिला नेता का घर जलाने पर भी मुकदमा नहीं हो रहा है। एमएलसी ने कहा कि भाजपा आखिर ऐसा दोहरा चित्र कहां से लाती है। वहीं पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू ने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा है और भाजपा उसका वेलकम कर रही है। जितेंद्र सिंह ने मंत्री स्वाति सिंह और सांसद रीता बहुगुणा जोशी पर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योगी जी तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और इस तरह के लोगों का स्वागत खुद जनता में बेनकाब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नई गैंग तैयार कर रही है और उस गैंग का सक्रिय सदस्य होने के लिए आप पर कई आपराधिक मुकदमे होने चाहिए, आप हिस्ट्री सीटर होने चाहिए, किसी न किसी महिला नेता का आपने घर जलाया हो या किसी बेटी को छेड़ा हो या बलात्कार में शामिल रहे हो। ऐसी गैंग तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपना मिशन पूरा करने के लिए। आज जितेंद्र सिंह बबलू जिस पर कई आपराधिक मुकदमे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उनका घर जलाने का आरोप है। किस तरीके से ऐसे अपराधी और आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी अपने गैंग में शामिल करके उनका वेलकम कर रही है। और इस वक्त लखनऊ